सोमवार सुबह 7 बजे धार जिले के राजगढ़ से हरिद्वार के लिए 55 यात्रियों को लेकर जब बस क्रमांक MP09PA0185 निकली थी, तब यात्रियों में से किसी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बस शाम को उज्जैन पहुंची, यात्रियों ने उज्जैन दर्शन किए। यात्री मंगलवार सुबह 7-8 बजे के लगभग उज्जैन से हरिद्वार के लिए निकले। पवासा थाना के पास बजरंग नगर क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय सुहानी पिता अनिल कलोशिया किसी काम से घर से निकली और सड़क पार करते समय बस से टकरा गई, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बस को पकड़ा और बस को यात्रियों सहित चिमनगंज थाने में खड़ा किया गया है। बस ड्राइवर को पकड़कर पवासा थाने लाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में बस के सभी यात्री कई घंटों तक चिमनगंज थाने के बाहर परेशान होते रहे। हालांकि टूर संचालक ने यात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था करने की बात कही। सर, मेरी बेटी घर से बाहर जा रही थी दूध लेने के लिए और वो बस चेनर से बाहर हुई दरवाजे से और गाड़ी ने टक्कर मार के चला गया। गाड़ी वाले ने मेरे बच्ची को बाहर देखा, भीड़ हो रही थी, बाहर जाके देखा तो मेरी बच्ची वहाँ पड़ी हुई दिखी मुझे। तो मैंने कुछ लोगों को आवाज़ लगाया कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ लोग बोलते हैं गाड़ी आएगी तो ले जाएंगे, जब तक मेरी बच्ची ज़्यादा ब्लेड जा चुका था उसका। और मैं इतनी घबरा चुकी थी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या कहूँ और किसको क्या नहीं कहूँ। सुबह सुबह का टाइम था, कोई उठता नहीं मदद करने के लिए। फिर कुछ लोग थे, उन लोगों ने बोला कि चलो हम ले जाते हैं इसको, बच्ची को। तो वो लोग लेके आए, एडमिट कराया और मुझे थाने पे ले गए। मैंने रिपोर्ट डलवाई।